डिस्क्लेमर, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो 20,000 में एक्सट्रीम गेमिंग पीसी बनाने का सपना रख। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ लोगों का हुतियापा देख देख। अक्सर लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई मेरा बजट 30,000 है और मुझे एक फाड़ू सा गेमिंग पीसी चाहिए। बट यार मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे भाई 20,000 में फाड़ू गेमिंग पीसी तो किसी भी एंगल से नहीं बन। अगर 20,000 में तेरे को गेमिंग करनी है तो कंसोल खरीद ले, 25,000 से 30,000 रुपए खर्चा कर हर गेम पे, उसके बाद गेम खरीद और गेम खेल, कोई टेंशन नहीं। 20,000 में यार गेमिंग पीसी तो नहीं आ पाएगा। एंड आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को 5th या 7th क्लास के बच्चों की कहानियां बताऊं जो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते और उनको एक ही उनके लाइफ में काम है वो है गेम खेलना, उनके लिए अगर आप एक पीसी बनाओ जो सिर्फ गेमिंग करता हो तो मे बी आपको 30,000 में एक ऐसा गेमिंग पीसी बन सकता। बट अगर आप एक वर्किंग स्टूडेंट है जो 24 घंटा AAA गेम टाइटल्स खेलते हो, या फिर कोई प्रोफेशनल हो जो की काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, रॉकेट लीग या प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड खेलना पसंद करते हो, या फिर आप वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो जो कंपाइलर्स एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स का यूज करते हो, या फिर आप एक ऐसे प्रोफेशनल हो जिनको बहुत ज्यादा मूवमेंट चाहिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, या फिर आप एक कैजुअल यूजर हो जो सिर्फ गाने सुनने एंड देखने के लिए यूज करना चाहते हो अपने पीसी का, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो कि साइंटिस्ट, डेवलपर्स, एनिमेटर्स हैं जिनके लिए डेटा इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अगर आप इन सब क्लॉजेस में पढ़ते हैं तो ये आप मेरा वीडियो देखते रहिए। आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं वो सब पक्के से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ये वीडियो, शेयर करें अपने जानने वालों के साथ एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, क्लिक करें उस छोटे से बेल पे एंड आप लोगों को मिलेगा नोटिफिकेशन एज सून एज मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं टॉपिक आज डिस्कस कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि एक्सपर्ट है कंप्यूटर इंस्टॉलेशन या एक एडवांस डिग्री पे कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं, या उन प्रोफेशनल्स के लिए जो कि हर रोज खाने पीने के लिए अपने कंप्यूटर्स बिल्ड करते हैं या असेंबल करते हैं। बट ये उन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है या कुछ ग्रुप उस ग्रुप के लिए है जो ये सपना देखते हैं कि वो किसी दिन अगर प्राइसेस कम हुए तो वो अपना एक ड्रीम पीसी बनाएंगे। इसके अलावा ये जो गाइड है ये उन लोगों के लिए है जिनको एक फेयर आइडिया है कि पीसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं बट एग्जैक्टली नहीं जानते कि कंपैटिबिलिटीज क्या होती है। उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि उनके पास किस टाइप का पीसी होना चाहिए, किस टाइप का पावर होना चाहिए एंड स्मूथली एंड एफिशिएंटली चलाने के लिए किस कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए उनका पीसी। तो ये जो वीडियो है इसको मैं 7 हिस्सों में कवर करूंगा। पहला हिस्सा है क्यों चाहिए पीसी, व्हाई डू यू नीड द पीसी फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट इज समथिंग एक्स्ट्रा, कि आपके पास जो है उससे आप कुछ एक्स्ट्रा निकाल सकते हो क्या। द थर्ड थिंग विच इज देयर जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बजट। चौथा पॉइंट है कि कितने साल के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पीसी आप लोगों को सर्विस देता रहेगा, या फॉर हाउ मेनी इयर्स डू यू वांट टू कीप दिस पीसी। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपग्रेडेबिलिटी, सिक्स्थ इज बॉटलनेक एंड सेवंथ इज सॉरी शक्तिमान मोमेंट्स इन पीसी बिल्डिंग। शक्तिमान, तो मैं आप लोगों को बस एक चीज ही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैं बहुत ही ब्रीफली कवर करूंगा। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में और भी डिस्कस करना है तो कमेंट करिए मेरे वीडियो पे, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको हर तरह के हुतियापे भरे डाउट का रिप्लाई मिले। कुछ हुतिये इसके बाद भी आपको मिलेंगे जो कि वीडियोस बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है एंड आई विल टेल यू व्हाई। बट इस वीडियो के देखने के बाद आप किसी भी डिसीजन या सजेशन पे मेरा सॉरी शक्तिमान रूल्स फॉलो करना एंड हर हुतियापे से मुक्ति पाना। क्यों चाहिए पीसी सेगमेंट में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो है कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवेबिलिटी कितना चाहिए। मतलब अगर आपका ऑफिस का पूरा काम सिर्फ आपके कंप्यूटर पे चलता है एंड आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इस केस में सबसे अच्छा होगा कि आप एक लैपटॉप। बट एक चीज जो ध्यान रखने लायक है वो है कि आपके जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस होगा वो पूरी तरह से आपके बजट पे डिपेंडेंट रहेगा एंड थोड़ा सा आपकी किस्मत पे भी। किस्मत क्यों, किस्मत वाला जो पॉइंट है मैं आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा आपके साथ। वैसे मैंने अपने हर पॉइंट पे एक मार्कअप दिया है जो आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्ट उस टॉपिक को देखने के लिए आप उस टॉपिक के एक लिंक पे क्लिक करिए एंड देख लीजिए वो पार्ट। आप लोगों के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है इसका वीडियो मैं कुछ दिन बाद बनाऊंगा जब पीसी मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। बट इन एनी केस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक वर्किंग स्टूडेंट हो जो 24 घंटा AAA गेमिंग टाइटल्स जैसे कि द विचर 3, कॉल ऑफ ड्यूटी इन्फिनिट वॉरफेयर, बैटलफील्ड 1,
रेज ऑफ द टोम्ब रेडर और इस टाइप के बाकी के गेम्स खेलते हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं ग्लोबल ऑफेंसिव, रॉकेट लीग या पीयूबीजी, या फिर अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो कि डिफरेंट कंपाइलर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स का यूज करते हैं, या फिर आप एक एनिमेटर, एक डेवलपर, एक साइंटिस्ट, एक म्यूजिशियन इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा होना इज नॉट जस्टिफाइड। आप लोगों को एक उसके लिए बहुत ही एक बैलेंस पीसी की जरूरत है। एंड प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं कि इफ यू आर ऑन अ बजट एंड आपको जो आपका पीसी बनाना है वो एक बजट के अंदर बनाना है, तो असेंबल्ड पीसीज विल बी योर बेस्ट बेट, बिकॉज जितने भी चॉइसेस होंगे वो आपके होंगे, जितनी भी पसंद नापसंद होगी वो आपकी होगी, आपको क्या परफॉर्मेंस चाहिए एंड कितने साल तक के लिए चाहिए ये भी आप पे डिपेंड करेगा। तो जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अगस्त महीने के मिड में साल 2017 में, अगर मैं एक जस्ट आप लोगों को आइडिया दूं कि एक डिसेंट गेमिंग लैपटॉप जो है जिसमें आजकल के सारे ट्रिपल ए गेमिंग टाइटल्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉडर्न वॉरफेयर, द विचर 3, राइज ऑफ द टोम्ब रेडर रीबूट, हिटमैन, क्राइसिस 3 एंड फार क्राई प्राइमल एंड GTA 5 जैसे गेम्स 1080p रेजोल्यूशन पे अल्ट्रा या हाई सेटिंग्स पे 60fps एंड उससे ज्यादा खेलने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 120,000 से 180,000 के बीच में पड़ेगा आपका लैपटॉप। 120,000 है उसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा एनवीडिया का GTX 1060 3GB, और अगर थोड़ा हायर एंड जाएंगे तो एनवीडिया का GTX 6GB वाला मिलेगा। माइंड यू ये लैपटॉप्स और इनके कंपोनेंट सिर्फ इसी साल तक के ये जो सारे गेम्स मैंने आपको बताए मैं ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट ईयर के जो गेमिंग टाइटल्स हैं उस पे आपको 60fps का जो मार्क है वो लो या मीडियम सेटिंग्स पे मिलेगा। एक पिक्यूलर चीज इंडिया में है कि हम जो है वो लैपटॉप को कस्टमाइज नहीं कर सकते, एंड अगर कर भी सकते हैं तो मैंने वो बहुत ही कम लोग देखे हैं जो अपना लैपटॉप जो है वो कस्टमाइज करके खरीदते हैं, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा। बस अब लैपटॉप की नहीं, अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक डेस्कटॉप्स। बहुत ही ब्लंटली मैं अगर आपको बताऊं कि आज की डेट में जो कॉन्फिग लैपटॉप के बारे में मैंने अभी आपको बताया जो कि 120,000 से 180,000 के बीच में पड़ेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर आप डेस्कटॉप पीसी में बनाएं तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 से 90,000 के बीच में खर्च आएगा। अगर ये चीज आपको कन्विंस नहीं करती है डेस्कटॉप लेने के लिए तो कुछ चीजों को कट करके एंड एक घंटे के मार्केट रिसर्च से आप अपने बजट को 55 से 60,000 के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इन रिग्स पे आप कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, द विचर 3, राइज ऑफ द टोम्ब रेडर रीबूट, हिटमैन, क्राइसिस 3, फार क्राई प्राइमल एंड GTA 5 जैसे गेम्स बेझिझक अल्ट्रा या हाई सेटिंग्स पे 60fps से ज्यादा का स्कोर पे खेल सकते। ये एक बेसलाइन था। अगर आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है अभी तक कि आपका पीसी किस काम के लिए यूज होगा तो आपका आधा काम इज ऑलरेडी फाइनलाइज। नाउ मेरा सेकेंड पॉइंट वॉज समथिंग एक्स्ट्रा। अरे आप लोग अभी भी यही हैं, इसका मतलब आप लोगों की ट्यूबलाइट तो पक्का जल रही है, इसके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो फिर आप लोगों ने अगर मेरा पहला पार्ट देखा है एंड ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को एक डेस्कटॉप चाहिए तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स ध्यान रखने लायक हैं। पहले बात करते हैं प्रीबिल्ट पीसीज की। प्रीबिल्ट पीसीज दो तरह के होते हैं, पहला OEM प्रीबिल्ट जैसे कि डेल, HP, एसर एंड लिनोवो, जिसमें आपको एक पैकेज दिया जाता है एक CPU के साथ मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड दूसरे एसेसरीज का। दूसरे कुछ कंपनीज जैसे कि एनकोडेड या द MVP पीसी असेंबल करती हैं एंड बेसिकली एक डिवीजन पैदा करती हैं कंज्यूमर्स एंड असेंबल्ड पीसी मार्केट के बीच में। पहले केस में जहां आप OEM पीसी खरीदते हैं वहां आपको सभी प्रोडक्ट्स की तरह एक स्टैंडर्ड कंपनी वारंटी मिलती है, जो कि दूसरे केस में जबकि दूसरे केस में वो आप लोगों को एक साल की सर्विस वारंटी देते हैं एंड उसके ऊपर इंडिविजुअल पार्ट्स की वारंटी मिलती है। अगर प्राइसेस की बात करें तो एज पर कॉन्फ़िगरेशन असेंबल्ड पीसीज एंड प्रीबिल्ट पीसीज में 10 से 40% तक का डिफरेंस आ सकता है। अगर आप एक OEM प्रीबिल्ट पीसी खरीद रहे हैं तो आप वारंटी के लिए उसी कंपनी पे डिपेंडेंट है, उसके कंपोनेंट के वेंडर से आप वारंटी नहीं मांग सकते। मतलब आप अगर एक डेल का पीसी लेते हैं और उसके अंदर अगर इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप इंटेल से उस प्रोसेसर की वारंटी नहीं मांग सकते, वो वारंटी आपको डेल से मांगनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके डिजाइन्स एंड जो मेक होता है वो OEM स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड होता है। इसका मतलब आपके वारंटी खत्म होने के बाद अगर आप कोई कंपोनेंट जैसे कि मदरबोर्ड या पावर सप्लाई यूनिट जो है वो अगर खराब हुआ तो आपको उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा जिस कंपनी का आपका पीसी है, जो कि अक्सर काफी महंगा एंड घाटे का सौदा होता है। अगर अभी भी आप लोग होश रखते हैं कि आप एक पीसी असेंबल करना चाहते हैं तो दाद देता हूं मैं आपकी, आप अपने अंदर
अंदर के कीड़े को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ। एनीवेज, अगर आप लोग अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो देखते रहिए मेरा वीडियो, आगे आने वाले सेक्शंस में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस लेवल का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए अपने काम के लिए। इसके बाद इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है बजट। नाउ अगर आपका बिल्ड बजट ओरिएंटेड है, जैसे कि मेरे देश में ज्यादातर लोगों का होता है, तो कुछ केसेस में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सारे केसेस मैं बहुत सिंपल टर्म्स से समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल, मेरा करंट कॉन्फ़िगरेशन एक OEM प्रीबिल्ट PC है, जिसमें कि इंटेल i7 का 4790 4th जनरेशन डेविल कैनियन CPU लगा हुआ है। इसमें है 8GB की DDR3 RAM, जो कि 1600 MHz पे चल रही है, अप्रोक्सीमेटली 300 वॉट्स का OEM कस्टम पावर सप्लाई यूनिट, OEM कस्टम मदरबोर्ड, GPU है NVIDIA 1050 Ti 4GB। ये बिना किसी पावर कनेक्टर के चलता है, जिससे मैंने एक मिड रेंज का गेमिंग या प्रोडक्टिविटी PC बनाया है। मेरा जो प्रोसेसर है 4790 4 कोर एंड 8 थ्रेड वाला 3.6 GHz बेस क्लॉक एंड 4 GHz बूस्ट क्लॉक वाला है। ये एक काफी अच्छा प्रोसेसर है एंड अभी भी गेमिंग के लिए मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 20 से 27,000 के बीच में बिकता है। GPU जो कि है 1050 Ti 4GB Zotac का, जिसके स्पेसिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पे है। इस OEM बिल्ड की आज की कीमत अप्रोक्सीमेटली 50 से 60,000 के बीच में होनी चाहिए एंड ये सभी गेम्स 1080p पे हाई एंड अल्ट्रा सेटिंग्स में 45 प्लस का FPS देता है। ये PC मुझे एक बैलेंस PC देता है, जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन जैसे काम भी करता हूँ। मेरे सारे वीडियो गेम्स वीडियो जो देखेंगे, मैंने इसी NVIDIA के डिफॉल्ट GeForce Experience से रिकॉर्ड किए हैं। स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे जो आप नंबर्स देखेंगे, वो MSI Afterburner से लिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बिकॉज ये PC मुझे एक बैलेंस्ड गेमिंग एंड वर्कस्टेशन का कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज इसका प्रोसेसर काफी हाई एंड है। आप इसे i7-7700, जो कि इंटेल का 7th जनरेशन का KB-like आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10-15% का फ्लक्चुएशन मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द काम आप जो कर रहे हैं, जो कि मोर और लेस 7700 को फेवर करे। सो इन ऑल इस सिस्टम को देखें तो मेरे PSU जो है वो 290 वॉट्स का है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 84 वॉट्स TDP वाला मेरा i7 प्रोसेसर है, 75 वॉट्स वाला मेरा GPU, एंड अभी तक इस PC ने मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिया है। नाउ आई नो थोड़ा टेक्निकल हो गया, अगर आपका बजट 40,000 है और आपको एक गेमिंग PC चाहिए जिसमें आप सिर्फ गेमिंग कर सकें, तो इस चीज के लिए इट विल बी बेटर कि आप एक CPU लें जो कि थोड़ा सा सस्ता हो एंड अपने GPU को मैक्सिमम लिमिट तक यूज कर सकें। अगर आपको 40,000 में एक कंटेंट क्रिएशन मशीन क्रिएट करना है, तो आप अपने PC में CPU को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे बजाय आपके ग्राफिक्स कार्ड के। अगर आपको एक ऐसा PC बनाना है जिसमें आप सारे गेम्स भी खेल सके एंड मल्टीटास्किंग भी, तो आई एम सॉरी टू से कि वो आज की डेट में आप 40,000 की रेंज में नहीं कर सकते, बिकॉज CPU एंड GPU के अलावा भी जो कुछ भी हमको चाहिए होता है एक PC में, जैसे कि मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, कैबिनेट, हार्ड डिस्क, SSDs, मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस एंड UPS, ये सब जो चीजें आती है, इसके लिए मिनिमम आपके पास 15,000 रुपए आपके निकल ही जाएंगे। तो 25,000 में इट्स वेरी टफ आप एक गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग वाला CPU बनाए। तो अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस हिसाब से कोई भी आप बेसिक रिग जिसमें आप कैजुअल सर्फिंग कर सकते हैं, या फिर जो HT PC बिल्ड हो, यानी होम थिएटर PC बिल्ड हो, या फिर अगर आप कॉलेज के गेमर्स हैं जो कि e-sports खेलते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 आपका बजट रहेगा। दिस इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर आप एक बेसिक गेमिंग रिग बनाना चाहते हैं जिसमें आप सारे AAA टाइटल्स 1080p पे हाई एंड अल्ट्रा सेटिंग्स पे 45 FPS एक्सपेक्ट करें, तो अप्रोक्सीमेटली 40-45,000 का आपका खर्चा आएगा। अगेन 40-45,000 में एक वर्क स्टेशन PC चाहते हैं जो कि आपके गेम्स जो है वो 720p पे 50-55 FPS का स्कोर देगा एंड 1080p पे 30 से थोड़ा ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेटली बिल्ड जो है दिस वेरिएशन आप ये भी आप बना सकते हैं 40-45 के बिल्ड में। इसके बाद आता है एक स्वीट स्पॉट वाला बिल्ड, जो कि है e-sport गेमर्स के लिए, जैसे कि CS:GO, रॉकेट लीग, डोटा 2 वगैरह के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको 35,000 में बना सकते हैं। मेरा जो वर्क स्टेशन या ऑलराउंडर रिग है, उसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली अगर आपको मार्केट में देखने जाए तो 50-65,000 तक आपको जाना पड़ेगा। अगर आप एक रेगुलर गेमर हैं जो कि सारे AAA गेम्स खेलते हैं एंड स्ट्रीमिंग करते हैं एट कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको सारे गेम्स 1080p पे 75-90 प्लस का स्कोर, अगर आपका बजट 70,000-1,00,000 है एंड अगर आप एक रेगुलर गेमर हैं जो कि गेम्स खेलने के साथ स्ट्रीम करना भी पसंद करते हैं एंड सारे गेम्स जो है वो 1080p पे 75-90 प्लस का FPS इज एक्सपेक्टेड 2017-2018 में एंड 1440p एंड 4K का जो रेजोल्यूशन है उसमें 35-60 का FPS का एवरेज स्कोर, तो ये जो बजट है ये आप 70,000-1,00,000 के बिल्ड के बीच में बना सकते हैं।
इसके बाद एक ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं एंथुजियास्ट ग्रुप, HEDT या एंथुजियास्ट प्लेटफॉर्म, जो कि 1,00,000 के ऊपर आप जितना भी आप बिल्ड बनाते रहेंगे इट विल गो टिल जितना आपके पास पैसा है। अगला जो पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ वो है आपको कितने साल के लिए अपना PC आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको सर्विस देगा, या फॉर हाउ मेनी इयर्स डू यू वांट टू कीप द PC। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक गेमर का बिल्ड, जहां पे जो भी परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है आपके आज के रिग में, सेम रिग में आपको अगले साल जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो थोड़ा सा कम होगा। एग्जाम्पल, आज अगर आप एक गेम हाई या अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल रहे हैं तो अगले साल जो गेम रिलीज होंगे उसमें सेम गेम्स आप मीडियम या लो सेटिंग्स पे करके खेलना पड़ेगा। तो ये चीज डिसाइड करेगा कि आपको कितने साल के लिए PC चाहिए। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन दूं आपको तो जो प्रोसेसर या GPU आज आप यूज कर रहे हैं वही कॉन्फ़िगरेशन आपको आने वाले 2 से 3 साल तक में 20% फ्लक्चुएशन के साथ परफॉर्मेंस देता रहेगा, एंड ग्रेजुअली आप उस परफॉर्मेंस को नोटिस करने लगे या परफॉर्मेंस लैग को नोटिस करने लगे। बिकॉज 2020 के जो गेम्स आएंगे आज से 3 से 3.5-4 साल बाद, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर बनेंगे वो उस साल के जो लेटेस्ट प्रोसेसर रिलीज होंगे उस पे ऑप्टिमाइज होंगे। हमारे प्रोसेसर उस टाइम तक 3 साल इस एंड ऑफ साइकिल हो चुका होगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना PC बिल्ड करें, जिससे कि आप अपना जो पैसा है वो सेव कर सकते हैं, एंड हो सकता है कि 2 साल या 3 साल बाद जब आपके पास पैसे बच जाएंगे यू कैन गो फॉर अ बेटर बिल्ड। 5वां पॉइंट है अपग्रेडेबिलिटी। अपग्रेडेबिलिटी जैसे मीन कर रहा हूं कि आप जो सामान खरीदते हैं उसमें आप जो भी सामान खरीदते हैं अगर आपको 1 साल बाद उसमें से कोई कंपोनेंट चेंज करना हो तो आपके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अच्छा ऑप्शन होता है, बिकॉज इससे आपको अपना PC जो है एक ओवर टाइम एक काम चलाओ PC से एक मस्त PC तक की दूरी तय कर सकता है। इसके लिए जो है अगर कुछ टिप्स मैं आपको दूं तो पहला है पावर सप्लाई यूनिट्स, बिकॉज इन केस ऑफ CPUs, GPUs एंड डिस्क ड्राइव्स जो कि आज आप खेल रहे हैं एक GTX 1050 या एक GTX 1060 से, एंड उसे अपग्रेड करना चाहते हैं 2 साल बाद टू अ हायर प्लेटफॉर्म जो कि एनवीडिया के वोल्टा प्लेटफॉर्म या फिर AMD का नावी प्लेटफॉर्म में आप जाना चाहते हैं, तो ये बहुत पॉसिबल है ट्रेंड्स को देखते हुए कि वो आपके SMPS को बॉटलनेक कर दे या आपके SMPS को रिप्लेस करना पड़े फॉर यूजिंग दैट CPU। एंड उस टाइम पे अगर आपका SMPS उस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका अपग्रेड का जो कॉस्ट आएगा उसके अंदर आपका पावर सप्लाई भी एड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज मदरबोर्ड्स। मदरबोर्ड का CPU सॉकेट पे डिपेंड करेगा कि आपको फ्यूचर में अगर कोई CPU अपग्रेड करना है तो आप कर पाओगे कि नहीं। इंटेल के केस में वो एक टिक टॉक टिक वाला साइकिल फॉलो करता है जिसमें जनरली 2 जनरेशन के बाद आपका प्रोसेसर चेंज हो जाता है। वहीं AMD जनरली एक 4 साल का साइकिल फॉलो करता है जिससे आपके प्रोडक्ट लॉन्च के आने वाले 4 साल तक CPU अपग्रेड का सपना देख सकते। तीसरा जो फैक्टर होता है वो है CPU। CPU का जो सॉकेट होता है वो डिपेंड करता है कि वो उसका मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। जैसे कि AMD के केस में B350 से X370 पे आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं बिकॉज दोनों का सॉकेट जो है वो AM4 सॉकेट है। उसी टाइप से इंटेल में आप i3 6th जनरेशन से i7 7th जनरेशन में जंप कर सकते हैं, आपके प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं बिकॉज दोनों ही LGA1151 सॉकेट पे बेस्ड है। इसके अलावा जो और फैक्टर्स होते हैं अपग्रेडेबिलिटी में वो है रैम की कंपेटिबिलिटी, केस साइजेस की कंपेटिबिलिटी एंड पैसे। 6th वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉटलनेकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली ऐसे 2 कंपोनेंट्स जो इसकी वजह से आपका CPU या GPU जो है अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बिकॉज किसी एक कंपोनेंट की वजह से आपका पूरा जो सिस्टम है वो सफर करता है क्योंकि उससे ज्यादा वो कंपोनेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। एग्जांपल, अगर आप एक पेंटियम G4560 को पेयर करेंगे एक NVIDIA 1080 Ti के साथ तो ऑफकोर्स आपका G4560 जो है वो एक पॉइंट के बाद आपको एक बॉटलनेक देने लगेगा। इसके अलावा थर्मल थ्रॉटलिंग या बॉटलनेकिंग की वजह से आपका PC सही से परफॉर्म नहीं करता है कभी कभी बिकॉज कोई एक कंपोनेंट जो है वो अपना थर्मल लिमिट तक पहुंच गया होता है। एंड मजे की बात यह है कि अगर आप PC बिल्ड करते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था, सॉरी शक्तिमान मोमेंट्स इन PC बिल्डिंग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि ये वो ब्लंडर होते हैं जो आने वाले टाइम पे आपको अपने आप को कोसने पे मजबूर, मतलब ऐसी तैसी करने पे मजबूर कर देंगे, आप अपनी ले लेंगे। एग्जांपल, कोई भी अगर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बजट में PC बनाने के लिए आप एक पुराने जनरेशन
जनरेशन वाला प्रोसेसर खरीद लो एंड नए जनरेशन वाला जीपीयू खरीद लो तो मत करना, आपको आने वाले टाइम में बहुत पछताना पड़ेगा। पावर सप्लाई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिस्टम का पीक लोड फॉर एग्जाम्पल 372 वॉट्स है एंड आपका SMPS 350 या 400 वॉट्स का है तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम कब बंद हो। ऑल्सो बेसिक सिस्टम चलाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने पावर सप्लाई पे आप खर्च करिए। ऑल्सो बेसिक सिस्टम चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई फाई पावर ईसीयू की जरूरत नहीं, बिकॉज आपके सारे कंपोनेंट जो है उनकी सर्विसेबिलिटी या उनका हेल्थ जो है आपके SMPS पे डिपेंड करेगा कि वो कितना स्टेबल पावर सप्लाई दे पाएगा आपके कंपोनेंट्स। SMPS खरीदते हुए एक चीज का ध्यान रखें कि जो 80+ ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड एंड टाइटेनियम जो लिखा रहता है इसका जो कनेक्शन होता है वो एफिशिएंसी से ज्यादा होता है, ना कि क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई। तो आप जो अपना पावर सप्लाई जो खरीदेंगे उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब अपने पावर सप्लाई पे हमेशा खर्च कीजिए, आपकी सहूलियत के हिसाब से वायर्ड मॉड्यूलर या सेमी मॉड्यूलर। एक पॉइंट जो हमेशा याद रखने वाली है वो है कि कंप्यूटर का कंपोनेंट ऑनलाइन जरूरी नहीं है कि आपको सस्ता मिलेगा, आप अपने लोकल वेंडर से एक बार प्राइस चेक कर लीजिए बिफोर बाइंग एनी स्टफ। फिफ्थ पॉइंट इज आपको डिसाइड ये करना है कि आप ओवरक्लॉकिंग जैसी चीज में आपको इंटरेस्ट है या आप चाहते हो कि नहीं। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि अगर वो एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा डेस्कटॉप पीसी बना लेंगे तो उसको लेके ट्रैवल करना बहुत इजी होगा, बट इट विल बी अ वेरी बिग शौर्य शक्तिमान मूवमेंट, बिकॉज भाई आप डेस्कटॉप को लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज ये है आप अपने अपना OS एंड अपना गेम्स जो है वो एक SSD पे आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको आपके परफॉर्मेंस में 15-20% का एक इजाफा मिलेगा, एक बंप मिलेगा। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड आपके हिसाब से एक PC बना पाएंगे जो कि आप अगले 3-4 साल चलाने के बाद उसको अपने हिसाब से अपग्रेड भी कर सकते हैं एंड अगर जरूरत पड़े तो आप बेच भी सकते हैं, आपके ऊपर है। बट पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि जो पैसा है वो बोलता है एंड आप अपने PC में जितना पैसा आप रोकोगे उतना ज्यादा आपका PC अच्छा बनेगा। खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक वेल नोन एक फैक्ट बताना चाहता हूं जिससे आपका जो PC का जो प्राइस बिल्ड है उसमें 20-30% का रिडक्शन आएगा। तो वो है आप प्रे करिए कि आपका कोई जानने पहचानने वाला US से वापस आ रहा हो, क्योंकि उस केस में आप अगर EVGA का कोई भी ग्राफिक्स कार्ड मंगाते हैं तो उसके साथ आपको ग्लोबल वारंटी मिलती है। इसके अलावा आप पैसे बचा सकते हैं ऐसी चीजों पे जिसमें खर्चा थोड़ा कम है एंड फायदा ज्यादा, जैसे कि 4-8 TB के हार्ड डिस्क ड्राइव्स, GPUs, CPUs। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज अगर आपका कंपोनेंट खराब हुआ तो बाय बाय टू द कंपोनेंट, बट जनरली कंप्यूटर कंपोनेंट्स काफी लॉन्गजेविटी उनकी अच्छी होती है, मीन टाइम बिफोर फेलियर का जो रेट है वो बहुत ज्यादा होता है इन सर्टेन थिंग्स। एनीवेज मैंने आपको जो ये गोल्डन रूल्स बताए हैं इसके बाद आप कोई भी PC का कंपोनेंट डिसाइड कर सकते हैं एंड उन्हें अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आज बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने बट ये जरूरी था बिकॉज बहुत से लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं पूरी जिंदगी PC बनाने में एंड बहुत से लोग वो होते हैं जिनको लगता है कि PC बनाना बहुत हार्ड होता है, बट सच्चाई जो है बिल्कुल अलग है। PC बनाना एक आर्ट की तरह है एंड इस आर्ट को अगर आप ये आर्ट आपको भी पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरा वीडियो। मैं अपने आने वाले वीडियोस में कुछ बिल्ड्स डिस्कस करूंगा, कुछ कंपोनेंट डिस्कस करूंगा जो मैं मंगा रहा हूं। एक बहुत ही स्पेशल बिल्ड लेके आऊंगा जो कि अभी US से आ रहा है मेरे लिए एंड फॉर अ हेल्दी डिस्कशन या किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट करें इस वीडियो पे। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय राम जी की।